बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक मसाले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जब आप कोई फ्राइड आइटम्स लें या कोई आप बारबेक्यू आइटम्स लें तो आप उसके ऊपर डाल के खाएँ तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक छोटा पीस जायफल, एक छोटा पीस जवत्री, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून टाटरी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 4 टीस्पून चाट मसाला। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तीन चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी, जायफल, जवत्री और ज़ीरा। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं 4 टीस्पून चाट मसाला डाल देती हूँ, अजवाइन 1/4 टीस्पून, अजवाइन को आपने नहीं पीसना, इसको आपने इसी तरह डालना है। यहाँ पर मैंने जो 3 स्पाइसेस पीस लिए थे वो हैं जायफल, जवत्री और साथ में ज़ीरा, ये डाल देंगे। यहाँ पर टाटरी ली है, इसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये डाल देंगे। ब्लैक पेपर, यहाँ पर मैंने लिया है चिकन पाउडर। अब हम इसको मिक्स करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद आ रही है, उसमें आप रोस्टेड चांप बनाएं, रोस्टेड बोटी बनाएं गोश्त की, उसके ऊपर आप लेमन डालें और ये वाला मसाला डालें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस तरह के चटखारेदार मसाले आप अपने गोश्त के ऊपर डालें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी हमारी तैयार है। ईद पे आप ये मसाला बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।